हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून में मैथ में आपका चैप्टर नंबर एक चल रहा है, फ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर एक में आपका फ्रैक्शन से भिन्न, जिसमें आपको हमने पिछले वीडियो में आपका एस एस सी ओ सेल 8.4 जो स्टार्ट किया था, और उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर ए था आपका पेज नंबर 73 पे, कलर द बॉक्सेस एंड फाइंड द सम, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखा गया था। और आपको सेकेंड दो क्वेश्चन में थे, आपको जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको आपको करने के लिए कहा गया था, आप लोग कर लिए होंगे। और बी था आपका फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ करना था आपका टोटल लाइक फ्रैक्शन से, आपका लाइक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड आपका सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ये दोनों चीजें आपको बताई गई थी कि सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल आपको सम ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ टू लाइक फ्रैक्शन डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, ये सब चीज बताया गया था। और आज जो है इसी एस एस सी 8.4 में आपका सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उत्तर देना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन फर्स्ट, डॉली फिनिश 1/3, डॉली फिनिश वन अपॉन थ्री ऑफ हर होमवर्क, ऑफ हर होमवर्क इन द मॉर्निंग एंड इन द मॉर्निंग एंड वन अपॉन थ्री इन द इवनिंग एंड वन अपॉन थ्री इन द इवनिंग, ठीक है बेटा, हाउ मच होमवर्क डिड सी फाइंड इन हार्ड, हाउ मच होमवर्क did she finish, did she finish in all, ठीक है, क्या डॉली का गलती के नाम है, डॉली की 1/3 अपने होमवर्क का, जिसका होमवर्क है उसका जो है 1/3 भाग जो है मॉर्निंग में सुबह में स्टॉप करती है, फिनिश समाप्त करती है एंड 1/3 इन इवनिंग, और जो है 1/3 जो है शाम को करती है। तो अगर हाउ मच होमवर्क डिड शी फिनिश इन आवर, तो वह जो है कुल कितना होमवर्क या कुल कितना काम जो है समाप्त करती है, ठीक है, कुल कितना है, हाउ मच पूछा है, तो अगर कैटिंग का दोनों करेक्टर को 1/3 जो इवनिंग की मॉर्निंग का है और जो 1/3 इवनिंग में है उसको क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, ये आपका मॉर्निंग 1/3 जो है हाफ और 1/3 मॉर्निंग एंड 1/3 द इवनिंग, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो अच्छा आ जाएगा टोटल होमवर्क कितना आ जाएगा, लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन है तो आपका कॉमन है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के करते हैं सम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को तोड़ देते हैं, तो 1 + 1, ठीक है, जाएगा आपका 1/1 हो जाएगा 2/3, आपका आंसर कितना होगा, पूछा हाउ मच होमवर्क
डेढ़ सौ बीस का तो आपको आ जाएगा 2.3, 2.3। ठीक है ठीक बेटा, टोटल होमवर्क कितना होगा 2.3 आपका आंसर। ठीक बच्चों, केवल आपको यही करना था, इसको ऐड करना था, फिर पूछा है। ऐसे सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है पीटीआर 1/4 चॉकलेट ऑन वन डे एंड 2/4 द नेक्स्ट डे, हाउ मच चॉकलेट डिड सी ईट इन आवर। इसको देख लीजिए, एक और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर है इसका, ठीक है, करक पीटी ए 1/2 पीटी ए 1/4 चॉकलेट यस सिक्योरिटी चॉकलेट ऑन डे एंड ऑन अ डे एंड एंड 2/4 द नेक्स्ट डे एंड 2/4 द नेक्स्ट। नेक्स्ट डे 2/4 द नेक्स्ट डे हाउ मच चॉकलेट डिड यू ईट, हाउ मच how much chocolate did she eat it up last। question mark hai mera pretty ek 1/4 chocolate on a day, ek jo hai 1/4 chocolate ko jo hai khati hai एंड 2/4 इन द नेक्स्ट डे, और 2/4 जो है नेक्स्ट अगले दिन करती है, तो करा हाउ मच चॉकलेट डिड शी ईट इन ऑल, तो वह जो है पूरा पूरा कितना जो है चॉकलेट खाती है, पूरे कितनी बार चॉकलेट खाती है, पूरे दिन का पूछ रहा है इन ऑल, तो मेरा कितना खाती है, तो यहाँ से आप लिखेंगे 1/4 को क्या करना है, हाउ मच होता है 1/4 प्लस 2/4 कार्बन है लाइक रिएक्शन तो हो जाएगा और मिलेगा 1 + 2 आपका 3/4 एंसर हो जाएगा, 3/4 आपका एंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सर जो है आप आंसर प्रश्नों का जो है उत्तर आप लिखेंगे या देंगे, और उसके बाद बेटा इसमें इसी में सी में आपका सी में दिया है 3rd and 4th, दो क्वेश्चन और इसी तरह से 3rd and 4th, इसको जो है आप लोग होमवर्क ग्रुप पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं डी। फिल द बॉक्स से टू फाइंड द डिफरेंस, फिल द बॉक्स से टू फाइंड द डिफरेंस one has been done for you,
वन है थ्री डन कॉल ठीक है बेटा। ये दिया है तेरा क्लीनिंग का बॉक्स टेस्ट फाइंड द डिफरेंस। बॉक्स जो है डिफरेंस अंतर ज्ञात करके जो है बॉक्स कंप्लीट कीजिए और कह रहा है वन एट बी डन फॉर यू एक आपको करके दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिखा हुआ है उसको आपको दिखा रहे हैं तरफ फाइव अपॉन एट फाइव अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन एट इक्वल ए माइनस यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर बॉक्स है ठीक है इक्वल बॉक्स बेटा ये दिया गया आपको इसी को जो है फिल करना है बॉक्स को फिल करना है सब्ट्रैक्ट करके एक आपको दिया है यहाँ से लिखेंगे फाइव अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन एट इक्वल बेटा आपका हो जाएगा आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा क्या है और सब्ट्रैक्ट में क्या है डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमरेटर यानी कि दोनों न्यूमरेटर का अंतर हो जाएगा फाइव माइनस थ्री हो जाएगा फाइव माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका टू अपॉन एट टू अपॉन एट हो जाएगा ठीक बच्चों फाइव माइनस थ्री करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टू अपॉन एट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ब्लैक बाकी की तरह से आपको करना है बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। अब आप उसमें जो है लिख सकते हैं कि फाइव जाएगा टू हो जाएगा और टू हो जाएगा ठीक बेटा। ये आपको दिखा है इसमें जब ये आपको एक क्वेश्चन को दिखाते हैं सेकेंड वाला सेकेंड आपको करके दिखाते हैं ये तो आपको बुक में दिया था और एच बिल्डर पर यू किताब करके दिखाया गया है तो सेकेंड देखते हैं नाइन अपॉन इलेवन माइनस नाइन अपॉन इलेवन माइनस थ्री अपॉन इलेवन इज इक्वल आपका है इलेवन ठीक है इलेवन दिया है बॉक्स बना है बॉक्स माइनस बॉक्स इक्वल आपका बॉक्स होना है और ठीक बेटा ये दिया क्वेश्चन आपका ठीक है इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा आपका हो जाएगा नाइन अपॉन इलेवन माइनस थ्री अपॉन इलेवन इक्वल बॉक्स है आपने का तो हो जाएगा नाइन माइनस या फिर दिया है नाइन इक्वल हो जाएगा थ्री हो जाएगा नाइन माइनस थ्री हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे जगह से थ्री अपॉन हो जाएगा सिक्स नाइन माइनस थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिक्स हो जाएगा सिक्स अपॉन इलेवन ठीक बच्चों तो आ जाएगा नाइन माइनस थ्री हो जाएगा सिक्स अपॉन इलेवन हो जाएगा। इस तरह से बेटा जो है हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करेंगे ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद थर्ड दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड सेवन अपॉन फिफ्टीन माइनस फोर अपॉन फिफ्टीन बॉक्स दिया है तो ऊपर वाले बॉक्स में फोर माइनस सेवन हो जाएगा फोर माइनस सॉरी सेवन माइनस फोर सेवन माइनस फोर हो जाएगा तो आपका थ्री हो जाएगा थ्री अपॉन फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है सॉल्व करेंगे जैसे आपको बताया गया है। इसके बाद ई है ई फाइंड द डिफरेंस ऑफ यह है आपका फाइंड द डिफरेंस ऑफ
फाइंड द डिफरेंस ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित जो है वो अंतर ज्ञात करना है, 7/12 माइनस 3/12, 7/12 माइनस 3/12, 7/12 माइनस 3/12 इसको अपन लगाएं, ठीक है बेटा। तो अब देख रहे हैं आप लाइक फैक्टर है, फैक्टर लाइक है, इंक्रीमेंटल है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यह कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा और फिर माइनस थ्री कर देंगे, फिर माइनस थ्री कर देंगे, ठीक है, फिर माइनस थ्री कर देंगे, अब क्या हो जाएगा, फिर माइनस थ्री कंट्रोल हो जाएगा, पूरा काम कर देंगे, क्या हो जाएगा 4/12। ठीक बच्चों, इस तरह सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 है, 12 में जाएगा कॉमन आएगा, लाइक फैक्टर है 7/12 3 फैक्टर है, तो यहाँ से माइनस थ्री डिफरेंस आपका उत्तर का डिफरेंस हो जाएगा, फिर माइनस थ्री 4/12 हो जाएगा, इस तरह से जो इसमें आप कर देंगे 4/12, ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन में और देखिए, सेकेंड 13/15 13/15 माइनस 5/15 13/15 माइनस 5/15 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा कॉमन न्यूमरेटर है तो 15 हो जाएगा यहाँ से 15, उसके बाद 13 माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे 5 डिफरेंस कर देंगे, का न्यूमरेटर का डिफरेंस कर देंगे, तो आपका 13 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 10, 15 क्या जाएगा 8/15 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसको जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। इससे आपका थर्ड क्वेश्चन है 8/9 माइनस 7/9, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8/9 माइनस 7/9, 8/9 माइनस 7/9 इक्वल आ जाएगा, इन द ब्रैकेट यहां तक आ जाएगा 9 यहां 8 माइनस 7, न्यूमरेटर का जो है डिफरेंस तो आ जाएगा 1/9, तो आंसर आपका 1/9, ठीक है, 1/9 आपका इधर करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो है आप बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा, समझ रहे हैं, जैसे आपका इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8 and 9, इसमें भी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन आपने करा दिया, इसमें भी आपका 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और उसमें आपका 1, 2, 3 इसमें कराया गया था, इसमें 4 क्वेश्चन थे डी में, ऐसे ही आपको जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको हर क्वेश्चन से ए बी सी डी से जो जितनी क्वेश्चन जितना बताया गया है वो आपको करा दिया गया है, और जितने भी क्वेश्चन उसमें बचे हुए आप उसको सॉल्व करेंगे होमवर्क रूप में, और क्या आपका चैप्टर आपका ऐसे 1.4 खत्म हो गया, और उसके बाद जो आपका न्यू चैप्टर का है कम्युलेटिव रिविजन, न्यू चैप्टर आपका कम्युलेटिव रिविजन, इसको जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।